आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल पर। अगर हम हमारे शौक को, हमारी हॉबी को पैसे कमाने के जरिए में कन्वर्ट कर दें तो ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो शौक है वो हमारे पैसा कमाने का जरिया बन जाए तो हम डेफिनेटली कहीं ज़्यादा और बहुत अच्छे से पैसा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा इंटरेस्ट का काम है और यहाँ पर हम काफ़ी अच्छा पैसा भी अर्न कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में एक मैं रियल स्टोरी बताऊंगा जो मेरे एक परिचित ने अपने हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करा और काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करा। तो यहाँ पर अगर आप उसकी रियल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये स्टोरी सुनने के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी पैसा कमाने में या कोई सा भी काम शुरू करने में। क्योंकि मैं जानता हूँ हर आदमी की कोई ना कोई हॉबी होती है, सिर्फ वो अगर सही डायरेक्शन में उसे उस हॉबी को मोड़ दिया जाए तो अपने आप वहाँ से पैसा जनरेट होना लगता है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले कि यहाँ पर कुछ अच्छी मोटिवेशनल बुक्स की लिंक मैंने मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप उन बुक्स को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग का काम करेंगी। अगर आप आज की तारीख में चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस में हो या और भी किसी वजह से डीमोटिवेटेड हो गए हो, तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जब हम छोटे थे तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था उसका नाम दिनेश था। यहाँ दिनेश जो था उसको टेबल टेनिस खेलने का काफ़ी शौक हुआ करता था। शुरुआत के दौर में ही जब हम 7th 8th क्लास में थे उसको टेबल टेनिस खेलने का बहुत शौक हुआ करता था। लेकिन क्या होता है कि जब मिडिल क्लास फैमिली की बात आती है तो यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली का माहौल जनरली ऐसा होता है, तू पढ़ लिख ले, ये खेलना वेलना छोड़ दे, कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो तेरा भैया आगे का जीवन सुधर जाएगा, लड़की वड़की मिल जाएगी, शादी वादी कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके की एक मिडिल क्लास फैमिली की सोच होती है कि भाई अच्छे नंबर लाना है तेरे को, ये क्या तू टुकुर टुकुर करता रहता है कि भाई पढ़ाई में ध्यान लगा, खेलने में ध्यान मत लगा। तो यहाँ पर फैमिली से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, वो उसका इंटरेस्ट बहुत था टेबल टेनिस खेलने में। ठीक है वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसे जब भी समय मिलता था वो टेबल टेनिस खेलने चला जाता था। अब यहाँ पर जब वो बड़ा हुआ उसका एजुकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी जो उसका शौक था वो कहीं ना कहीं अंदर जनरेट रहा, वो कहीं ना कहीं पनपता रहा। अब यहाँ पर उसको एक जॉब भी लगी, उसने जॉब भी करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ उसका इंटरेस्ट इतना नहीं लगता था। ठीक है सुबह से जाओ रात को घर आओ, लिमिटेड जो सैलरी मिले वो ले लो, वो एक रूटीन लाइफ हो गई थी, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो एक मजबूरी में चला करता था। फिर अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि भाई इस तरीके से कुछ काम शुरू करा जाए कि जो मेरा इंटरेस्टिंग फील्ड है उसी से रिलेटेड मैं कोई काम शुरू करूँ। तो अब उसने क्या करा, उसने सर्च करा शहर में कि भाई कौन सा ऐसा एरिया है जिस एरिया में एक सस्ता हॉल मुझे रेंट पे मिल जाए। तो यहाँ पर उसने एक एरिया सेलेक्ट करा और एक बिल्डिंग के बेसमेंट में सस्ते में रेंट पे उसे एक हॉल किराए पे ले लिया और उसने कुछ अमाउंट लोन पे लिया, कुछ अमाउंट उसके पास भी था। वहाँ पर उसने 10 टेबल टेनिस की टेबल लगा ली, उस हॉल में 10 टेबल टेनिस की टेबल लगा ली और इस तरीके से उसने इस काम को शुरू करा। अब वो क्या करता था, उसने जो स्टार्टिंग में जो चार्ज रखा वो 1000 रुपीज़ मंथ में पर मेंबर का चार्ज रखा, मतलब एक मेंबर महीने पर अगर खेलेगा पर डे 1 घंटा अलाउड था तो 1000 रुपये उसे पे करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 10 उसके पास टेबल थी, दिन सुबह वो खोल लेता था सुबह 6 बजे और रात के 11 बजे तक वो ओपन रखता था अपने बिजनेस को। तो यहाँ पर धीरे धीरे उसके साथ बच्चे जुड़ते गए, जो इंटरेस्ट था जिन लोगों का खेलने में वो लोग जुड़ते गए, क्योंकि इस खेलने कूदने की फैसिलिटी इतनी आसानी से यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके काफ़ी लोग जुड़ने लगे और जब वेकेशन का टाइम होता था तब तो उसके पास काफ़ी भीड़ होती थी और जो रेगुलर खेलने में इंटरेस्टेड थे वो भी जुड़ते गए। सिर्फ 1000 रुपीज़ पर मंथ वो चार्ज लेता था। तो देखते ही देखते उसके साथ 100 लोग जुड़ गए,
अब 100 लोग का जुड़ना यानी महीने के लाख रुपए जनरेट होना, 100 लोग अगर उसके साथ जुड़ गए यानी लाख रुपए महीना जनरेट होने लगा। अब ठीक है, उसके पास 10 टेबल थी, अलग अलग टाइम पे लोग आते थे सुबह से शाम तक जब जिसको समय मिलता था। और ऐसा भी होता है कि हर आदमी हर दिन नहीं आ पाता, 100 लोग उनके साथ जुड़े तो कोई ज़रूरी नहीं 100 के 100 रोज आते हैं, 100 में से 70 ही आए, 60 ही आए, 80 आए, इस तरीके से जितने जुड़े हैं वो रेगुलर सब नहीं आते। तो इस तरीके से वो उसका बिजनेस चलने लगा। अब क्या होने लगा कि उसका इंटरेस्टिंग फील्ड था, वो खुद भी खेलता रहता था, मान लो सिंगल कोई बच्चा आ गया उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे कई पेरेंट्स ऐसे थे जो उनके पास आने लगे, हमारे बच्चे को आप गाइडेंस दें, इसे ये टेबल टेनिस खेलना सिखाएं। तो उसने कहा ये एक और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया, वहाँ पर ट्रेनिंग का और उसने पैसा लेना शुरू कर दिया, यानी 1 घंटे तो वो खेलने का और 2000 रुपये वो ट्रेनिंग का लेता था कोई भी बच्चा अगर उसके पास सीखने के लिए आता था। यानी धीरे धीरे करके उसकी इनकम बढ़ने लगी, उसने वहाँ पर एक मैनेजर भी रख लिया और खुद का जो इन्वॉल्वमेंट हो गया वो सिर्फ सिखाने में और खेलने में, बाकी जो पूरा मैनेजमेंट एक लड़के को किराए पे रख लिया। तो आज की तारीख में वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है, यानी सिर्फ एक 5 टेबल टेनिस की टेबल लगाई और उस तरीके से उसने अपने शौक को कन्वर्ट कर दिया पैसे कमाने के जरिए में। तो यानी यहाँ अगर हम हमारे शौक को सबसे पहले पहचानें और हम कोशिश करें कि इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसा कमाने के जरिए में, तो अगर हमने उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर हम देखेंगे हम दूसरों से कई गुना ज़्यादा भी कमाएंगे और कहीं तेज़ी से भी कमाएंगे, क्योंकि जो काम हमें पसंद होता है हम जानते हैं वो हम पूरी ताकत से उस काम को करते हैं, और जब हम कोई भी काम पूरी ताकत से करेंगे तो यहाँ पर सक्सेस और पैसा कहीं नहीं जाने वाला। तो आज के वीडियो में इतना ही है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।